आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेजर टाउन की हाजी सर इस्माइल मस्जिद के सामने से। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने यहां पे देखा कि फ्रेजर टाउन पुलिस के जो ट्रैफिक की डिपार्टमेंट है वो एक पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रही है ट्रैफिक के मसलों को लेकर, कि जो लोग फ्रेजर टाउन में यहाँ पर रहते हैं अगर उनको किसी तरह की परेशानी आती है, कोई भी समस्याएँ आते हैं, तो किस तरह से वो पुलिस को कॉन्टैक्ट करें, किस तरह से पुलिस की मदद को हासिल करें। पर्टिकुलरली उन लोग कहते हैं कि जो नौजवान यहाँ पे रहते हैं रात रात भर टू व्हीलर्स में जो घूमते हैं, व्हीलिंग जो करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि नौजवान रहते हैं, अगर हम मीडिया वाले भी उनकी फ़ोटो वीडियो पकड़ हम उनको देंगे तो उनका करियर भी तबाह हो सकता है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ये कहती है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, जहाँ पर वन वे रहता है वहाँ पर क्रॉस करके नहीं जाएँ, क्योंकि ये पूरा एक पढ़ा लिखा एक ऐसा तबका है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम आता नहीं, लेकिन कंसर्न है जो मैटर है तो रात के नौजवानों को लेकर है, जो औरतें यहाँ पे घूमते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर है। तो फ्रेजर टाउन की पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है कि लोगों के साथ एक मोहब्बत और भाईचारगी बढ़ाने का। वो कहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पुलिस को कॉन्टैक्ट करें, कभी भी 24 आवर्स में हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। तो इस बारे में ये हमारे इंस्पेक्टर साहब क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ಸರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು। ಈಗ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಈಗ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೋಡೋದಾದರೆ ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಯುವಕರು ಈ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಅಂತ ಏನೇ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾಗಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನೇ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। आज यहाँ पे फ्रेजर टाउन पुलिस स्टेशन की तरफ से एक पब्लिक अवेयरनेस का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, इसके बारे में आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर अहमद है, मैं इसी मस्जिद का मुसल्ली हूँ। यहाँ मस्जिद के जो हालात पार्किंग के लिए जो पुलिस वालों को बताए थे कि लड़के आते हैं, ये रोड नो एंट्री है वापस जाने के लिए, फिर वापस जाने के वक्त क्या कहते हैं पार्किंग के टाइम पर सब फोटो पकड़ते हैं, फिर मैं खुद उनको बोला कि भाई ऐसा ये रास्ता है मस्जिद के पीछे से जाना, हमारे बच्चे सब क्या कहते हैं हेलमेट भी नहीं रहती, वो क्या भी नहीं रहती, फिर ऐसे वापस जाते हैं। तो उन्होंने पुलिस वाले हैं फ़ोटो पकड़ो 1000 2000 3000 ऐसा दिल में कितना आता होगा। यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा से देख रहा हूँ, तब से आप देख रहे हैं आजकल के जो नौजवान जो अपना संतुलन खो बैठते हैं, सब्र कम रखते हैं, डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते हैं, वापस यहाँ पे वन वे में से रिवर्स जाता है, ऐसे नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या अकल नहीं उनको, एकदम इच्छा आती है पुकारते भी ये नहीं करते, बच्चों को घर में ये करते हैं, घर के बाहर निकलते साथ उनका काम उन्हों करते हैं, इतना समझाते भी नहीं समझते। पुलिस वालों को लेकर लोगों में एक डर क्या रहता है, इन्हों कौम के खिलाफ हैं, खाली डराती है करती, लेकिन आज जिस तरह से फ्रेजर टाउन की पुलिस इतना अच्छा ये प्रोग्राम कर रही है पब्लिक अवेयरनेस, तो फ्रेजर टाउन की पुलिस वालों के बारे में क्या बोलती है? नहीं, पुलिस वाले बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत ये कर रही है, हमारे वास्ते क्या होना कुछ करती है, तुम ये करो पुलिस वाले बहुत ये। बैंगलूरली दुड समस्या अंदर ट्राफिक समस्या अभी बरी फ्रेजर टाउन मात्र सीमित अल इडी बैंगलूर के सीमित आगे अद्रेनमे स्वल्प कस्टमर्स बंदा नावे हेल्बू पार्कन पार्किंग जगह मात्र पार्क हेलमेल पार्क होबड़ी अद्रे जन किरीकिरी उंटाते बेरे नम अंगड़ियों प्रॉब्लम आगते निम्गू प्रॉब्लम आगते अवेरने को इतमारे वाले ना अंगड़ियों आगे कस्टमर्स हेल्बू सर पार्किंग जगह मात्र पार्क बेरे जगह पार्क अंत इंत वन कार्यक्रम पोलिस इलाके पोलिस इलाके जो स्नेह ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ತುಂಬ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಈ ಥರದಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ